बहराइच के महसी महराजगंज इलाके में घटित घटना के बाद पुलिस की तरफ से दो आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक सरफराज और दूसरा तालिब वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन जो रहुआ मंसूर इलाका है जहां पर मृतक रामगोपाल मिश्रा का आवास है, वहां फिलहाल जाने के लिए लोगों को रोका जा रहा है। ये मेरे ठीक पीछे आपको पुलिस की बैरिगेटिंग नज़र आ रही होगी। यही रास्ता रहुआ मंसूर, जो कि मृतक रामगोपाल मिश्रा का आवास है, उस तरफ जाता है। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है, आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। खासतौर पर मीडिया के लोगों को भी आगे जाने से रोका जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से फिलहाल जो आवाजाही है उसको प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन आप देखिए कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे और रहुआ मंसूर जाने के लिए बात की गई, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ऊपर से ऑर्डर आया है, लिहाजा रहुआ मंसूर की तरफ आप लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से रहुआ मंसूर की तरफ जाने वाला जो भी रास्ता है, जहाँ पर मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजन फिलहाल अपने घर पर मौजूद हैं, उन सभी इलाकों पर इसी तरह की पुलिस बैरिगेटिंग की गई है और लगातार यहाँ से जाने के लिए रोका जा रहा है। लेकिन खास बात यह भी है कि एनकाउंटर के बाद से ही जो चाहे आप महसी महाराजगंज का इलाका मानिए जहाँ पर पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, या फिर रहुआ मंसूर जहाँ पर मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार के लोग हैं, वहाँ पर भी फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी बहुत चाक चौबंद देखी जा रही है और फिलहाल उनके घर की तरफ जाने से मना किया जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, बहराइच, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।